थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाइड योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। उसी के साथ साथ मैं पिता परमेश्वर का, उस अबा पिता का, यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुनहरा मौका फिर से एक बार आज के दिन उसकी सेवकाई के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसकी खिदमत के लिए दिया है। इसलिए तहे दिल से उस परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उसकी महिमा करता हूं, उसे आदर देता हूं। थैंक यू जीसस। उसी के साथ साथ इस पेज के जो एडमिन है पास्टर सचिन कांबले और सारी शखाइना ग्लोरी की जो टीम है जो इस पेज के लिए काम करती है, उन सभी का भी मैं दिल की गहराई से यीशु नासरी के नाम में धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको और बढ़ाए, आपकी सेवकाई को ऊंचे पद पे लेकर जाए, और जो मसीह के राज्य को बढ़ाने का उद्देश्य आपने चुना है वो उद्देश्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की अगुवाई में पूरा होता रहे, और आपका जीवन और ये पेज परमेश्वर की महिमा करता रहे। तो आइए आराधना का एक गीत गाकर हम परमेश्वर के वचन में इमीजिएट चले। We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord. Yes, Lord. लटकाना आसरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता लती देने को रास्ती, लकड़ी पे लटकाना आसरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता देने को रास्ती। यस लॉर्ड, वो खुद उस परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस, ग्लोरीफाई योर होली नेम। Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। वो हमारे लिए शापित हुआ तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटकाना सरी Hallelujah, 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 Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु सारा आदर तुझे देते हैं सारी महिमा तुझे देते हैं कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही पाए मस्तिष्क की माला जपने कदमों तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही पाए बस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटकाना सरी देने को जिंदगी हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा करते हैं तेरे कलाम के द्वारा तो हमसे बात कर जो परमेश्वर मनुष्य के जीवन की तीन प्रकार की अभिलाषा धन की अभिलाषा धन की अभिलाषा मन की अभिलाषा इस पापमय बातों पर हम कैसे जीवंत होंगे इतने वचन की गहराई को समझने के लिए हमारे मनों को तू खोल दे और तेरा कलाम ग्रहण करके तेरे राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे दे आज का कलाम हर व्यक्ति को समझने के लिए समझने वाली आत्मा तू दे दे और तेरा अनुग्रह कर तेरे हाथ में हम गिफ्ट दे दो तू हमें चला तेरा नाम ऊंचा हो तेरा राज परमेश्वर हमारे जीवन से बड़ा हो सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर का मेमना उसका इकलौता पुत्र सारे जहां का उद्धारक और मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं
इतने सुन आप ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में हम उसके सेवकाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। विषय परमेश्वर अद्भुत है और वो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम भी करता है। तो आइए हम चलते उस कलाम की ओर और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें आशीषित कर रहा है, हमारे जीवन में काम कर रहा है। सब लोग वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, प्रभु की इच्छा को समझ रहे हैं। इसलिए मैं सारा आदर प्रभु को देता हूँ। और जो विषय का चुनाव हमने किया है कि पापमय बातों पर जयवंत जीवन कैसे प्राप्त करें, बहुत सारी गलतियां हम परमेश्वर का अनुभव पाने के बाद भी हमारे जीवन में हम करते हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी कहीं ना कहीं अपने जीवन को सही रीति से मसीह के साथ जोड़कर जैसे चलना चाहिए वैसे चल नहीं पा रहे। अद्भुतों का जीवन इस तरीके का है। और ये विषय इसलिए हमने चुना है कि जो पांच प्रकार का जो डर है या पांच प्रकार की जो बातें है, डर के ऊपर कैसे जयवंत होंगे, दुखों पर कैसे जयवंत होंगे, निराशाओं पे, कड़वाहट पे, और अभी ये पांचवी जो भूमि हम देख रहे हैं या पांचवा ये जय हम देख रहे हैं, पापमय बातों पर कैसे जयवंत होंगे। How to get victorious life upon sinful things? और ये बहुत जरूरी है। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन से एक पाखंड का जीवन जीता है, डोंग का जीवन जीता है। दिखाने के लिए बाहर से तो हम पवित्रता की बातें दिखा सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, लेकिन यही बातें अंदरूनी क्षेत्र में भी चलनी चाहिए। और मनुष्य अंदरूनी क्षेत्र में जो अंदर का हमारा मनुष्य है उसे फंसा नहीं सकता, उसको दगा दे नहीं सकता, वो सब कुछ जानता है। और आज इन्हीं बातों के ऊपर हम गहराई से सोच रहे हैं। और मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार की लालसाएं होती है। नंबर एक, तन की लालसा, धन की लालसा, मन की लालसा। तन की वासना, धन की वासना, मन की वासना। तन का लालच, धन का लालच, मन का लालच। तो ये तीन प्रकार की बातों के ऊपर हमने ऑलरेडी तन की वासना मतलब शरीर सुख, सेक्सुअल इमोरलिटी, लस्टफुल लाइफ, वासना से भरे हुए जीवन को या वासना उत्पन्न करने वाली बातों को हमने वचन के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। और कलाम से हमने सीखा है कि बाइबल कहता है कि इब्रानियों रोमियो 8:13 में आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार दो। दो करीब 9:27 में पौलुस कहते मैं मेरे शरीर को कूटता हूँ, मारता हूँ और उसे दास या गुलाम बनाकर रखता हूँ। बाइबल भी हमें कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं पाप उन पर हावी नहीं होगा। जिन्होंने अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार बनाने के लिए परमेश्वर को जिन्होंने समर्पित किया है उनके ऊपर पाप हुकूमत नहीं करेगा। और बहुत से बार एक वचन को बहुत सारे लोग दोहराते हैं, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, जो नहीं करना है वो करता हूँ, लेकिन उसके आगे की बात नहीं सोचते। पौलुस कहते हैं कि अगर ये बात मैं करना चाहता हूँ नहीं करता हूँ और जो नहीं करना है वही करता हूँ, इसका मतलब मेरे भीतर रहने वाला मेरा पाप है। लेकिन अगर मैं मेरे जीवन को मसीह के वचन के अनुसार चलने की आदत लगाऊंगा, उसे उस तमीज में लाऊंगा, डिसिप्लिन में लाऊंगा, तो निश्चित शरीर की इच्छाओं को कुचलने के लिए दर्द भी होता है, लेकिन वो पवित्र जीवन जीते वक्त हमें अभिमान भी लगेगा कि हम परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर के पवित्र संतान है। बहुत से बार मनुष्य सब कुछ करता है, लेकिन आज मुझे आपको बताना है शैतान के जो तीन जो नरक दूत है, ये तीन नरक दूत बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आज के डेट में, जिसे ट्रिपल जी कहा जाएगा, गोल्ड, ग्लोरी एंड गर्ल। अपोजिट सेक्स के पति पुरुष के सामने स्त्री, स्त्री के सामने पुरुष,
लड़के के सामने लड़की, लड़की के सामने लड़का, आज वासनात्मक बातों का फैलाव इतना हो रहा है। आप जो मोबाइल यूज करते हो वो भी इतना खतरनाक है, केवल एक टच करना काफी है सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन धन्य वे लोग जो इन बातों में नहीं गिरते। आज हमने उन बातों के ऊपर बहुत गहराई से देखा है। हमने सैमसन का भी जीवन देखा है, यूसुफ का भी जीवन देखा है, दाऊद का भी जीवन देखा है, उसके साथ साथ यहू का जीवन देखा है कि उसने इजबेल को ऊपर से पटक के मारने की आज्ञा दी, जो इजबेल उसे आकर्षित कर रही थी, जो आकर्षण था वो आकर्षण को उसने पटक के मार दिया। कभी कभी ना आकर्षणों में मनुष्य फंस जाता है। अभी उसके बाद हमने परसों जो न्यू डाली हमने, धन की लालसा। बहुत सारे लोग भले शारीरिक पापों में नहीं गिरते, लेकिन बहुत सारे लोग धन की लालसा में गिर के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते। अब ये धन की लालसा उनके जीवन में नाश का कारण बनती है। एक बसी जीवन में जब हम आते हैं ना, तो हमारा जीवन, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा पारिवारिक जीवन, भले सेवकाई, इस बात में कभी धन नहीं आना चाहिए। आप कोई भी सेवकाई धन के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसा कमाने के लिए अगर सेवकाई करना है तो मैं कहता हूं कि आप सेवकाई बंद कर दो, आप जाकर दुनिया में बिजनेस करो। क्योंकि सेवकाई पैसा कमाने के लिए नहीं है, सेवकाई शानो शौकत से रहने के लिए नहीं है। निश्चित परमेश्वर अगर आपको उस तरीके से अगर परमेश्वर आपको लेकर जा रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य या एम्बिशन ये मत बनाओ कि मुझे सेवकाई से धनवान होना है। बहुत सारे लोग शुरुआत करते आत्मा से लेकिन खत्म करते शरीर में, और शरीर की वो वासना कभी कभी धन की वासना बन जाती है। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं, और शैतान के दूत बरोबर काम कर रहे हैं। किसी को धन की वासना से, किसी को तन की वासना से, किसी को मन की वासना से। आप कहेंगे मन की वासना क्या है? मन का कठोरपन जब बन जाता है, मन जब अहंकार में भर जाता है, तब वो मन ईगो में आकर आय कहलाने के लिए काम करता है। मैं मैं मैं, कोई लोगों को केवल वही एक बात है, मेरा नाम होना चाहिए, मैं सब जगह पर चाहिए, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, वो बात का टॉपिक है। लेकिन अभी हम धन की वासना के ऊपर शायद एक दो चार एपिसोड हो जाएंगे उसमें। तो धन की वासना या धन की लालच, ये बात आज बहुत सारी जगह पर, आज बहुत सारे लोगों के सामने शैतान लेके भी आ रहा है, उनके दिमाग में वो डाल रहा है, कर ले कुछ नहीं होता है, थोड़ी सा पाप है कर ले कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग गलत रीति से पैसा कमाते, बहुत सारे लोग गलत तरीके का बिजनेस करते हैं, बहुत सारी जगह पर वो फंस जाते, फिर बाद में परमेश्वर उन्हें याद आता है। धन होना ये पाप नहीं है, गलत रीति से धन आना ये पाप है। धनवान होना ये पाप नहीं है, गलत रीति से धनवान होना ये पाप है। आपके जीवन में धन चाहिए, पैसा चाहिए आपको, आपका पैसा जो है ना वो आवश्यकता है, लेकिन यीशु मसीह प्राथमिकता है। जीसस क्राइस्ट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारे पहले स्थान में हमारी प्राथमिकता यीशु मसीह होना चाहिए। व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, क्या है आपकी प्रायोरिटी? कुछ लोग कहते माल है तो ताल है, बाकी सब बेकार है। एक बहुत पुराना गीत बचपन में रेडियो पे सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, वो फिल्मी गीत है, लेकिन तुम भी सुन लो अपने विषय के लिए, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ना बीवी ना बेटी ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा भैया, द होल थिंग इज ऑल, सबसे बड़ा रुपया। लोग कहते हैं अरे पैसा है तो सब कुछ है, सब लोग पूछेंगे पैसा है, लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन जो हमें उद्धार के द्वारा मिला है, यीशु नाम का पवित्र धन, यीशु नाम का अनंतकालीन इटर्नल ट्रेजर, जो सार्वकालिक कभी ना खत्म होने वाला धन, वो हमें मिला है। अब इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है, जहां पर तेरा धन वहां पर तेरा मन। आज लोग कहते हैं मसीह के, लेकिन वो दो स्वामियों की सेवा करते हैं। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से वो नफरत करेगा, एक से वो प्यार करेगा। अब वो दूसरा स्वामी कौन है? यीशु मसीह कहता है वो दूसरा स्वामी रुपया है।
अब इस रुपए की लालच में बहुत बड़े बड़े लोगों ने, फिर वो विश्वासी हो, नौकरी वाला हो, बिजनेस वाला हो या कोई भी हो, उन्होंने इस धन की लालच में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो इस बात के ऊपर हम जयवंत कैसे होंगे? तो जो वचन हमने धन की वासना के लिए लिया था, वही वचन हम धन की वासना के लिए मिलेंगे। भजन संहिता 119 वचन 11, हे परमेश्वर मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम तेरा वचन मैंने मेरे हृदय में या मन में महफूज रखा है। अगर मेरे मन में उस परमेश्वर का वचन है ना, तो वो वचन मुझे हिदायत देगा, वो वचन मेरी अगुवाई करेगा, वो वचन मुझे सही दिशा में चलाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 6 अध्याय वचन 23, परमेश्वर का वचन को 3 स्वरूप में बताया वहां पे, आज्ञा, शिक्षा और डांट। परमेश्वर के वचन को 3 तरीके में बताया है नीति वचन 6:23 में, आज्ञा, शिक्षा और डांट। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आज्ञा दीपक की नहीं है, इसी वचन में परमेश्वर का शिक्षा उजाला है, दीपक है या प्रकाश है, और परमेश्वर का डांट जीवन का मार्ग है। कभी कभी है ना, हमें डांट अच्छी नहीं लगती है, हमें कोई करेक्ट करे ना, यह हमें पसंद नहीं है। हम किसी को करेक्ट करें उसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम गलती करते हैं और अगर हमें कोई करेक्ट करता है, अगर somebody करेक्ट यू, डोंट बी अपसेट। आपको देखना है आज भाई आपने कभी गलती किया हो ना, उस गलती को एक्सेप्ट करो और उस गलती को सुधार कर अच्छी शुरुआत करो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें आज्ञा भी देता है, हमें शिक्षा भी देता है और हमें डांट भी देता है। आज्ञा दीपक है, शिक्षा प्रकाश है और डांट जीवन का मार्ग है। ये 3 प्रकार से वचन की बात हमें दिखती है, लेकिन बहुत सारे बार मनुष्य इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। और इसलिए आजकल है ना, भविष्यवाणियों की ऑनलाइन सर्विस में वहां पे बहुत लोग रहते हैं। कोई सेलिब्रिटी अगर गवाही के लिए आता है तो वहां पे बहुत सारे लोग उसके गवाही सुनने के लिए आते हैं। फिल्म स्टार कोई आता है, कोई अभिनेत्री या कोई अभिनेता है, वहां पे बहुत सारे, लेकिन वहां पे वचन की शिक्षा दिखती नहीं, उनकी स्टाइल दिखेगी आपको। फिलहाल इस ऑनलाइन में मैंने देखा है बहुत सारे फिल्म स्टार जो बॉलीवुड से निकले हुए लोगों की गवाही आ रही है, लेकिन जब वो ऑनलाइन आते हैं तो वो बॉलीवुड स्टाइल में ही आते हैं। वो जब ऑनलाइन आते हैं तो बॉलीवुड स्टाइल में आते हैं, तो बदल क्या हुआ है हमारा, बदलाव क्या हुआ है? आज उस बॉलीवुड का परमेश्वर कॉपी, परमेश्वर देख रहे हैं कि ये लोग चेंज नहीं हुए, कॉपी कर रहे हैं, वो लोग अपने लोग भी कॉपी कर रहे हैं। बाल ऐसे लंबे रख के वो लेडीज लोग जो बेल्ट पहनते, जो बैंड होता है वो लगा के आके बैठते, लड़का बैठा है कि लड़की बैठी है, वो दाढ़ी मूछ देखने के बाद समझता है वहां लड़का बैठा है। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन तो कोई बात नहीं, परमेश्वर सब बात को जो नहीं है उसको निकाल देगा। क्योंकि गब्रियल ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था प्रेरितों के बारे में, जब यहूदी उसके पास आकर कह रहे थे कि ये काम कर रहे, तो गब्रियल ने कहा कि जो परमेश्वर की ओर से वो बना रहेगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो चला जाएगा। भले रेती का घर बहुत जल्दी तैयार होता है, रेती के ऊपर घर बहुत जल्दी तैयार होता है, चट्टान का घर बनने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जब वो बनता है तो आंधी और तूफान में बने रहता है। लेकिन रेती का घर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे उत्तराखंड में या यहाँ वहां जब बहुत सारी बड़ी बादल फट गए थे, बारिश हो गई थी, तो बिल्डिंग की बिल्डिंग बह के गई। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पे नहीं थी, ऊपरी ऊपरी रेती के ऊपर बिल्डिंग थी। वही आज सब जगह पे चल रहा है। अब ये रियलिटी बेस का प्रीचिंग में लेकर आया हूँ, अगर इसको आप ग्रहण करोगे तो मैं निश्चित एक बात में फिर से दोहराना चाहता हूँ, मैं ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन करके देता हूँ, अगर आप पापमय जीवन, पापमय जीवन के ऊपर अगर आप जयवंत होके पवित्रता का जीवन जियोगे तो आपको डरने की बात नहीं है। यीशु कभी भी आए, यीशु आपको उठा के लेके जाएगा। किसी की भविष्यवाणी, किसी की स्पेशल प्रेयर आपको रैप्चर में लेकर नहीं जाएगी, आपका व्यक्तिगत जीवन और आपका व्यक्तिगत चुनाव आपको रैप्चर में लेके जाएगा या नहीं भी लेकर जाएगा। अगर गलत चुनाव है तो आप रह जाओगे, राइट चुनाव है तो आपको वो लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से इन दिनों में मुझे अगुवाई कर रहा है, आशीषित कर रहा है वचन के द्वारा। बहुत सारे भाई बहन जब इस प्रचार को सुनते हैं अपलोड करने के बाद, कल मेरे पास 2 गवाही आई, एक भाई को और बहन को,
बहुत तकलीफ हो रही थी, उनको शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो कहते कि पास्टर जी जैसे हमने प्रचार सुनना शुरू कर दिया 5 से 10 मिनट में हमारा दर्द चला गया, हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन खुदावन ने वचन सुनते सुनते हमें चंगाई दे दी। कितनी बड़ी गवाही है ये। और ये कलाम के साथ है, भजन संहिता 107:20 कहता है वो परमेश्वर अपने कलाम को भेजकर उन्हें चंगा करता है और गड्ढों से बाहर निकालता है। वो कलाम का परमेश्वर है जो कलाम के साथ काम करता है। वो नमक तेल पानी आटे से काम नहीं करता है, वो कलाम से काम करता है। शायद ऐसे कुछ है की बातें, लेकिन ये बाह्य स्वरूप की बातें हमें आशीषित नहीं करते, तो प्योर वर्ड ऑफ गॉड हमें आशीषित करता है। तो चलते हैं आज के पॉइंट के ऊपर, फिर से जहां पर हमने तिमोथियुस की किताब में से देखा था कि धन के बारे में बाइबल क्या कहती है। अब उसका शीर्षक दिया है झूठी शिक्षा और धन का लोभ। अब उसके बारे में अगर हम चलेंगे तो बाइबल कहती है, मेन वचन जो आपने देखा उसके पहले से कुछ वचन को हम लेकर आएंगे। 8 वचन कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ये वचन को हमने इब्रानी 13:5 से जोड़ा था। अब इब्रानी 13:5 कहता है, आइए उस वचन को भी पढ़ते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। क्यों मुझे जिस हालात में मुझे प्रभु ने रखा है, जो मेरी कमाई है, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरी आमदनी है, जैसा मेरा घर है, जैसा मेरा परिवार है, जैसी बीवी है, जैसा पति है, जैसे बच्चे हैं, जिस जगह पर मैं हूँ, उस हालात में मुझे संतोष से क्यों रहना है? क्योंकि वो कहता है कि अगर तू आप में लोभ रहित, कोवेटलेस, ग्रीडलेस, लालच रहित रहेगा तो वो कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। एक बड़ा वायदा है यहाँ पर। भविष्यवाणी कैंसिल हो जाएगी लेकिन वायदा कैंसिल नहीं होगा। Maybe prophecy will fail, but promise never fail. वायदा कभी कैंसिल नहीं होगा, वो आपके लिए पूरा किया जाएगा। फिर आप जहां कहीं भी रहते हो वहां पर वो पूरा करेगा। आते वहीं पर तिमोथियुस की किताब में 1 तिमोथियुस 6:10 और वचन 8 को पढ़ा भी नहीं पढ़ता हूँ। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारिक लालसाओं में फंसते, जो मनुष्य को बिगाड़ देते और विनाश के समुद्र में डुबा देते। धन की लालच, अच्छे अच्छे को रॉन्ग रीति से उन्होंने पैसा कमाने की कोशिश की और आज वो विनाश के संबंध में नाश हो गए। अभी भी अगर समय है तो हम पश्चाताप करते हुए मन फिरा कर परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का कुरिन्थियों की किताब का वचन लेकर कहते हैं कि वो हमारे लिए दरिद्र हुआ ताकि हम धनवान हो, लेकिन ये वचन ये सांसारिक जगत की धनवान होने की बातों के लिए नहीं है, यह आत्मिक धनवान के लिए। जो आत्मिक धनवान है उनके बारे में बाइबल ये कहता है। चलो आगे बढ़ते, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। ओके, और आगे का वचन कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। धनी होने के बातों से लोग कहेंगे, अरे माल कमा कोई बात नहीं, मैं जितना कमा रहा हूं मेरा परमेश्वर मुझे संभाल रहा है और जितना चाहे मुझे प्रभु दे रहा है। बाइबल कहता है, परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु का गवाह करके जिसने पंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्देश रख। बहुत अद्भुत बात है यहाँ पर हमें। अब एक आगे का एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, 17 वचन, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। मनुष्य को चंचल स्वभाव का कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पौलुस धन को चंचल कहता है। ये धन किसी का नहीं हुआ आज तक, ये धन आज तक किसी का नहीं हुआ। और बाइबल कहती है यहाँ पे, परंतु परमेश्वर पर
जो हमारे सुख के लिए बहुत कुछ बहुतायत से देता है। और आगे का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी वचन को पढ़ता हूँ ना मैं बहुत आशीषित होता हूँ। आप चाहिए तो आपके बाइबल में उसको अंडरलाइन करो, पहला तिमोथी 6 अध्याय और वचन 18। यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति के बारे में बताया, लेकिन कौन सा धनवान, गौर से सुनो। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। कौन से कामों में? भले काम करने में धनी बने। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो काम करने में धनी बने। संसार की धन दौलत, पुरखों की जायदाद, खेती बाड़ी, बंगला, कोठी, सोने, हीरे, जवाहरात, इन बातों में नहीं। यहाँ पे बाइबल धनी बनाने की बात कर रहा है। धनवान हो बोलता है, लेकिन कौन सी बात पे धनवान हो? बहुत अच्छा दिया ये वचन, मराठी में पढ़ो 18 वचन। अच्छा वो करो, सत्कर्म विषय मराठी में दिया है हमारे, सत्कर्म के बारे में धनवान हो जा। गाड़ी बंगला कोठी चाहिए, लेकिन उसके साथ सत्कर्म में, हिंदी में दिया है भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहो। इस लॉकडाउन में अगर आप किसी को मदद करना चाहते हो, अगर कोई गरीब है, उसको खाने को नहीं है, काम नहीं है, आप उसको जाकर मदद करो, बहुत अच्छी बात होगी ये, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। आप उसको जाकर सुसमाचार भी सुनाओ, आपके पास है तो आप निश्चय ही करो परमेश्वर आशीष। आगे की 19 वचन की बात हम देखते हैं, क्या कहता है देखो वचन, 19 वचन कहता है, अब आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। बात बोलो 19। जो सच्चा जीवन वो सामर्थ्य पकड़ने के लिए आगे के समय के लिए अच्छी नींव बनेगी। आज मैं एक नींव डालकर जाऊंगा, मेरी अगली जो पीढ़ी है वो उस नींव के ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाएगा। उसकी अगली पीढ़ी क्या करेगा, उसके दूसरे फ्लोर पे वो और स्लैब डालेगा। भले काम में धनवान, सत्कर्म में धनवान बन जाओ, ये बहुत अच्छा वचन है। अब मैं परमेश्वर को एक ही मांगता हूँ कि प्रभु भले धन में मैं धनवान नहीं हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे सत्कर्म में धनवान बना ताकि तेरी नजरों में मैं श्रेष्ठ माना जाऊं, तेरी नजरों में मैं श्रेष्ठ माना जाऊं। ये गीत है ना, दुनिया की नजरों में मैं भले तुच्छ ही माना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाओ। अब्राहम का प्रभु, ईसाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना हो ना कभी। हम सियोन के सफर के लिए चल रहे, ये जो शारीरिक जीवन है ना, बाइबल कहती है कि हम परदेशी मुसाफिर है, हम मुसाफिर है इस दुनिया में। हमारा सही डेस्टिनी सियोन देश, उस परमेश्वर के राज्य में, वो सियोन के सफर में हम मेरा मन व्याकुल ना हो, भले दुनिया मुझे तुच्छ समझे, लेकिन प्रभु तू मुझे तेरी दृष्टिकोण में सर्वश्रेष्ठ समझे, ऐसा जीवन तू मुझे दे। हालेलुया। और जब इस धन की बात के बाद में हम आते हैं तो कुछ वचन हमें ना नीति वचन में से देखेंगे कि धन के जो भी यहाँ पे जो भी नुकसान की बातें बताई गई है, एक वचन पढ़ेंगे नीति वचन 15:16 प्रोवर्ब्स चैप्टर 15:16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन उत्तम। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, क्या मेरे धन के ऊपर, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरे बंगले के ऊपर, मेरी कोठी के ऊपर, मेरी दुकान के ऊपर कोई हमला तो नहीं करेगा, कोई चोर लूट कर तो लेके नहीं जाएगा, रातों के नींद उनकी हराम हो जाती है। इसलिए बाइबल कहती है घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है, बेस्ट, थोड़ा है बस, सुखी हम प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से जो भी कमा रहे, भले लोग लाखों का महीना कमा रहे, मैं 10,000 कमा रहा हूं, लेकिन उसमें मैं मेरा परिवार सुखी हूं। इसका मतलब लाख रुपए नहीं कमाना ये बात नहीं है,
कमाओ, लेकिन सही तरीके से कमाओ, सीधी तरीके से पनाओ, सच्चाई से कमाओ। आगे वचन क्या कहते हैं पढ़ेंगे आप, नीति वचन 21:6 प्रोवर्ब्स चैप्टर 21:6 जो के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, धुआं है धुआं। जो झूठ की नींव के ऊपर, जो झूठ की फाउंडेशन के ऊपर, जो क्या कहते रहेगा यहाँ की यहाँ का काम वहाँ, यहाँ का पत्ता वहाँ, वहाँ का पत्ता यहाँ, जो लोग ऊपर नीचे के काम करते हैं, जो यहाँ का वहाँ गलत काम करते हैं, काला सफेद काम करते हैं, नीला सफेद काम करते हैं, उन लोगों के बारे में कहा है कि जो लोग झूठ के द्वारा धन प्राप्त करते हैं उनका धन वायु के साथ उड़ जाएगा, और ऐसे धन को ढूंढने वाले मृत्यु ही को ही लगाए ही, मतलब वो मृत्यु को ही पाएंगे। तो अच्छा है ना, अपना जो है अपना थोड़ा है परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहो। अब एक वचन और 22:11 में, तो थोड़ा अपने टॉपिक के लिए नहीं है लेकिन वचन के ऊपर, इसलिए मैं ये भी वचन पढ़ना चाहता हूं। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, मन की शुद्धता से किसी के साथ प्रीति रखता है, मतलब स्वार्थ से प्रीति नहीं है, फायदे के लिए प्रीति नहीं है, मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, और जिसके वचन मनोहर होते। आज बहुत सारे प्रचारक है जो प्रचार करते वक्त अपना फाइनेंस या अपना फंड कैसा रेज होगा, अपना उल्लू सीधा करके लेते हैं वचन को बिगाड़ कर अपने तरीके से, ताकि लोग जैसे हिप्नोटाइज करके, वशीकरण करके जैसे उस व्यक्ति को चलाते, वैसे वचन का भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हिप्नोटाइज करके धन निकालते। यहाँ पे क्या है, जिसके वचन मनोहर है राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया, मतलब जिसका प्रचार शुद्ध है, जिसका प्रचार मनोहर है, जिसका प्रचार सही है, जिसका प्रचार से लोगों का जीवन बदलता है, जिसके प्रचार के द्वारा लोग परमेश्वर की राह पे चलते हैं, उसको क्या बताए बताए, राजा, वो राजा जो सिंहासन पे बैठा है, वो यीशु राजा उसका मित्र बनता है। अब उसने योहन्ना के 15 अध्याय में कहा है कि जो मेरे वचन के अनुसार चलता है, मेरी आज्ञाओं की प्रतीति करता है, उसके अनुसार चलता है, वो मेरा मित्र है। अब्राहम को उसने मित्र कहा, क्योंकि अब्राहम को कुछ ना मिलने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, इसीलिए बाइबल कहता है याकूब की किताब में अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। हालेलुया, हम परमेश्वर के मित्र भी है, हम परमेश्वर के पुत्र भी है, सिक्के की दो साइड है। हम विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में हम परमेश्वर के मित्र बनते हैं, और उद्धार के द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के मित्र बनते हैं। ऐसा अनुग्रह हमें दिया है परमेश्वर ने। एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, ग्यारह चार, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। अब ये धर्म मतलब इंसान ने बना हुए धर्म नहीं, राइचियसनेस मतलब जिसका आत्मिक जीवन है। मसीह धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम मसीह धर्म पे विश्वास नहीं करते, हम मसीह जीवन पे विश्वास करते, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते। उसने हमारा धर्मांतर नहीं किया, उसने हमारा जीवनांतर किया है। मेरा नाम राजू ठाकुर है, यीशु को ग्रहण करने के बाद राजू ठाकुर का अल्बर्ट फ्रांसिस डिकोस्टा नहीं हुआ है, राजू ठाकुर तो राजू ठाकुर ही है। समझ में आ रहा है आपको मुझे जो बता रहे हैं। बाइबल कहती है कोप के दिन मतलब न्याय के दिन धन का कुछ लाभ नहीं होगा, वो कुछ भी लाभ नहीं होगा उसका, ये धन कीड़ों मकोड़ों को खिलाया जाएगा, कीड़े खाएंगे उस धन को। जैसे इटली में बड़े पैमाने पे हम देखते हैं कि जब ये कोरोना वायरस का जब फैलाव हो गया, तब इटली में हमने देखा कि बिलियन से पाउंड्स और डॉलर रोड पे पड़े हुए थे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था, शहर शांत हो गए थे, सन्नाटा छा गया था, कितने लोग मारे गए, धन की लालच रखने वाले, धन की घमंड करने वाले सब दुनिया छोड़ के चले गए। मैंने एक वीडियो को देखा, मुझे बहुत खराब लगा। एक बूढ़ा पास्टर है, उम्र वाले बुजुर्ग पास्टर है, वो अपने चर्च में एंट्री करते कुछ महीनों के बाद, इसी कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं। अब जब वो चर्च में आता है तो उसका सारा चर्च खाली था। अब जब वो पुलपिट पे से, वेदी पे से नीचे उतरता है,
और जो जो बेंचेस थे वो बेंचेस में फोटो रखे हुए थे, फलानी व्यक्ति यहाँ बैठती थी, फलाना व्यक्ति यहाँ बैठता था, वो सारे बेंचेस के ऊपर जो फोटो थे जहाँ पर सही में लोग बैठते थे ना, वो देखते वो रोते 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 आखिरी बेंच तक जाकर घुटनों पर बैठ गया। गिरजाघर तो है, चर्च तो है, लेकिन चर्च में लोग नहीं है। जो अपने आप को बहुत अमीर समझते थे, जो अपने आप को बहुत धनवान समझते थे, इसलिए बाइबल स्पष्ट कहता है कल के बारे में सोच मत, कल की आशा ही मत रख। अगर सुबह उठने के बाद मैं आंखें खोलता हूं, मुझे समझता है मैं धरती पर हूं, धन्यवाद यीशु मुझे यह जीवन दिया। अद्भुत बातें आज परमेश्वर आपसे करने जा रहा है। और ये न्यू डालने के साथ साथ आज हम दो कैरेक्टर को देखेंगे, एक गुरु को देखेंगे, एक चेले को देखेंगे। गुरु ने धन की बातों के ऊपर ऑलरेडी जय प्राप्त की थी, धन की लालसा के ऊपर, लेकिन चेला जो था गुरु के साथ रहने के साथ भी उसने गुरु के पास से जो बात सीखनी थी वो सीख नहीं पाया और अपने जीवन में फंस गया। उस टॉपिक पे जाने से पहले रोमियो की किताब में से हम एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का किताब 16 अध्याय और वचन 18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते? पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते। प्रभु तुम्हारा अच्छा करेगा, तुम्हारे पास धन आ रहा है। अभी फिलहाल जो ऑनलाइन में प्रॉफिटिंग मिनिस्ट्री चल रहा है ना, वे लोग बहुत ऐसी बात कर रहे, उनके लोगों के लिए भविष्यवाणियां कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, आई प्रोफेसी इंग्लिश भी बोलने को नहीं आता है सीधा, आई प्रोफेसाई बोलना चाहिए, तो आई प्रोफेसी मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, तुमको धन मिल रहा है, तुमको बीवी मिल रही है, तुमको नौकरी मिल रही है, तुमको छोकरी मिल रही, तुमको टीवी मिल रहा है, तुमको बीवी मिल रहा है। ये सब चिकनी चुपड़ी बातें बताकर आज के डेट में बहुत सारे लोग मसीह की सेवकाई का जो मार्ग है, जो सीधा करना है, तो उसको टेढ़ा कर रहे। मसीह की ओर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो अपने ओर आकर्षित कर रहे। अब यहाँ पे बताया गया है कि चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये आज के लोग हैं जो अपने फायदे के, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को वचन नहीं बता रहे, लोगों को कानों की खुजली मिटाई जाए, कानों को अच्छी लगने वाली बातें कर रहे। अब उसमें से और भी कुछ है, प्रभु मेरे दिल में डाल रहे, इसलिए वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। शायद वो वचन तीमोथियुस का पत्रस की किताब में है। हाँ, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय वचन 1 से देखो आगे क्या कहता है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। उनके जमाने में थे तो हमारे जमाने में आएंगे। पत्रस प्रेरित था लेकिन उसने यह भविष्यवाणी करके रखी। देखो आगे, उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लेके लिया है उसका भी इनकार करेंगे और बहुत ही अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आगे का तीसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन, बहुत से उनमें उनके समान लुचपन करेंगे। उनके समान लुचपन मतलब चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर लोगों को सुसमाचार नहीं देंगे, यीशु मसीह का बलिदान नहीं बताएंगे, यीशु मसीह की सूली नहीं बताएंगे, यीशु का पुनरुत्थान नहीं बताएंगे, आने वाले न्याय के बारे में नहीं बताएंगे, पश्चाताप करने के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। केवल चिकनी चुपड़ी बातें, सामर्थ्य लो, टेक इट फायर, रिसीव फायर। अरे टेक इट फायर क्या टिकट निकाले क्या फायर का? कोई भी बोल रहा है टिकट फायर, लो फायर घर में बैठ के फायर। अरे परमेश्वर का फायर के लिए मूसा को पहाड़ी पे चढ़ना पड़ा, चेलो को इंतजार करना पड़ा उस बिल्डिंग के ऊपर, अटारी के ऊपर, तब जाके वो फायर मिला। कितने बड़े सताओं में से गए तब वो फायर मिला। कोई भी आकर कहता है टिकट फायर, रिसीव फायर, क्या बाजार में मिलता है क्या टिकट फायर? ये दुनिया का चीज है क्या? आप कहीं भी बांटने को तैयार है? बहुत हल्के में ले गए। गलातियों 6:7 में बाइबल कहता है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है, मनुष्य जो कोई बोएगा वही काटेगा, जो शरीर के लिए बोएगा वो मृत्यु को काटेगा, जो आत्मा के लिए काटेगा वो जीवन के लिए काटेगा। बाइबल आगे कहती है ऐसे बहुत से लुचपन के कारण जिनके कारण सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी और बहुत सारे एंटीक्राइस्ट ग्रुप के ऊपर आज हमारी हंसी उड़ाई जा रही है।
बहुत सारे एंटी क्राइस्ट ग्रुप के ऊपर मसी लोगों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है। क्यों? ये ऐसे लोगों की वजह से जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लेकिन वचन प्रचार नहीं करते, लोगों को सच्चा मसीह प्रकट नहीं करते, लोगों को अन्य मसीह को प्रकट किया जाता है, लोगों को सही यीशु नहीं प्रकट किया जाता है, लोगों को अन्य यीशु बताया जाता है। दूसरा यीशु जो धन दौलत देता है, जो बाबा बना के रखा है, वो केवल चंगाई और मिराकल देने वाला। मुझे पता है यीशु मसीह चंगाई मिराकल करते हैं, बहुत सारी चंगाई हुए, अभी परसों के मीटिंग में चंगाई हुई है, एक व्यक्ति को किडनी प्रॉब्लम था, किडनी प्रॉब्लम छूट गया, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बातें हो गई। लेकिन वो चमत्कार को प्रेजेंट करने से ज्यादा चमत्कार करने वाले परमेश्वर को प्रेजेंट करना बहुत अच्छा समझता हूँ। आगे बाइबल गई थी, वे लोभ की बातें गढ़कर, गढ़कर मतलब अपनी बनी बनाए पुलाव बनाएंगे, ख्याली पुलाव, अपनी बनी बनाई बातें, प्रभु मुझे ये दिखा रहा है, प्रभु मुझे वो दिखा रहा है, केवल ऐसे दिखा रहा है, नाम नहीं आएगा कुछ नहीं, केवल दिखा रहा है। अब कहता है लाभ का कारण बनाएंगे, ये वचन मराठी में पढ़ो, तीन वचन। लोग धरून बनावट गोष्टी साधती, वो लालच रख के बनावट बात बताएंगे, मराठी में दिया है। आगे और तुम्हारे ऊपर रुपए कमाएंगे। आज वही धंधा चल रहा है मसीहत में, मसीहत में धंधा करने के लिए आने वालों के लिए जगह नहीं है। मसीहत में आने के लिए, सेवकाई में हमारे लिए स्ट्रगल होना चाहिए। मैं मेरे जीवन के बारे में बताता हूँ कि आज लॉकडाउन में परमेश्वर की कृपा से हम जी रहे, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, किसी के पास हाथ नहीं फैला रहे, किसी को हम फाइनेंस के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर को कि वो अलग अलग लोगों के दिलों में डाल रहा है और हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमारी बड़ी मांग की लिस्ट नहीं पूरी करता है, वो हमारे डिमांड को पूरी नहीं करता है, हमारे नीड्स को पूरी करता है। इफ यू हैव एनी नीड्स, एनी रिक्वायरमेंट, श्योरली आई टेल यू इन जीसस नेम, लॉर्ड विल प्रोवाइड एवरी नीड्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। हर एक जरूरत वो तुम्हारे घर तक पूरी करेगा अगर आप उसके चुने हुए संतान हो तो। हालेलुया। आगे बाइबल कहता है तुम्हारे ऊपर पैसे पैसा कमाएंगे, उनके लिए नियुक्त किया हुआ जो दंड या जो न्याय है वो सोता नहीं है, जरूर वो न्याय होगा। कुछ लोग तेल बेच रहे 500 रुपए अनॉइंटेड ऑयल, कुछ पानी बेच रहे, कोई नमक बेच रहे, कोई प्रेम का शॉल बेच रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, क्या क्या बेच रहे, किधर दिया ये बेचने की बात। मेरा उन लोगों का सवाल है, ये अगर तुम बेच रहे हो तो इसका मतलब अभिषेक बिकता है। अब मेरे परमेश्वर का अभिषेक बिकाऊ नहीं है, यीशु मसीह का अभिषेक कोई माइका लाल खरीद नहीं सकता और कोई माइका लाल बेच भी नहीं सकता। अगर आप बेचते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम यीशु का सौदा कर रहे हैं। ये कितनी जिल्लत वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। आज अन्य जाति के लोगों में एंटी क्राइस्ट ग्रुप के ऊपर हमारी खिल्ली उड़ाई जा रही, इसके वजह से सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, क्योंकि आज धन की लालसाओं के ऊपर बड़े बड़े सेवक भी, इंटरनेशनल लेवल के सेवक भी केवल धन की सेवकाई के लिए सेवा कर रहे, अकाउंट नंबर डाल दिया जाता है, जो खुद के प्लेन में आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग। आज क्या चल रहा है मसीहत में, इन सब बातों का खंडन करना होगा। चीजों बाइबल ने स्पष्ट हमने पढ़ा है, क्रोध के दिन धन काम में नहीं आएगा, क्रोध के दिन मेरा धर्म मतलब मेरा राइचियसनेस काम को आएगा। मैंने कितना धन कमाया वो परमेश्वर के क्रोध के दिन, न्याय के दिन काम नहीं आएगा। मैंने कितनी धार्मिकता कमाई है वही बात मेरे काम में आएगी। हालेलुया। आप चलते हैं, हम आज जिस कैरेक्टर के ऊपर प्रचार करेंगे 10-15 मिनट में जो बचे हुए, उसमें हम देखेंगे आज स्पेशली, जैसे मैंने कहा, एक गुरु और एक चेले को। अब वो गुरु है नबी एलीशा, एलीशा, और चेला है नामा, ये गेहजी, सॉरी नामान कोड़ी। बाइबल कहता है कि जब आराम के राजा का सेनापति नामान कोड़ी, जब उसके घर में एक इजरायली लड़की को बंदी बनाकर लेके गया था, गुलाम बनाकर, वो लड़की ने वापस सुसमाचार बताया और एलीशा नबी के बारे में बताया कि शामरोन में, सामरिया में एक ऐसा नबी है जो तेरा कोट ठीक कर सकता है। और ये बात सुनकर आराम के राजा ने एक पत्र लिखकर दिया, और बाइबल कहती है कि 10 किक्कर चांदी, 6,000 सोने के टुकड़े, 10 जोड़े कपड़े लेकर उसको रवाना किया पत्र देकर, जिसमें लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोड दूर कर दे।
कोट दूर करने के लिए। वो गया आराम का राजा, आराम का सेनापति आया उधर। अब एलिशा के पास आने के बाद एलिशा ने उसके सीधे वो बात भी नहीं किया। वो इतना बड़ा सेनापति था, आजकल के लोग अगर कोई मंत्री सत्री वीआईपी आए तो उसके आगे 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 करते, कलिसिया छोड़कर पुलपिट छोड़कर उसके आगे आगे करते। मुझे आपको बताना है, चर्चेस अभी बंद है लेकिन चालू होगा। आपके चर्च में विश्वासी को, उद्धार पाए हुए व्यक्ति को जितना आदर है ना, उतना आदर इस दुनिया के पॉलिटिशियंस को नहीं मिलना चाहिए। आपके चर्च के पुलपिट पर आकर वो बड़ा ऐसा टिक्का लगाकर, वो सिंदूर लगाए जैसा, वो एकदम आके पुलपिट पे बैठ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आकर बैठ जाता है कुर्सी डाल के। आलिशा संदेश दे रहा है, नामान सेनापति था, बहुत ही नामी व्यक्ति था, लेकिन आलिशा उसको मिलके भी नहीं गया, मिलने को भी नहीं गया। आलिशा ने कहा जा उसको बता, यर्दन में 7 डुबकी लगा। नामान ने आलिशा की बात मानकर यर्दन नदी में डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। एक नई, दो नई, तीन चार, 7 लगाई। देखो ये देखो चमत्कार हुआ, नामान कोड़ी चंगा हो गया, चंगाई मिल गई। वो पहले तो गुस्सा आ गया, अरे ये एलिशा नाम का भविष्यवक्ता लग के कौन गया? आज के भविष्यवक्ता धनवान लोगों के पीछे आगे आगे कर रहे, जमींदार लोगों के पीछे जो जमीन बेचते हैं, आज के फिलहाल में जमीन का रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत चल रहा है, उनके जमीन के प्लॉट के ऊपर जाकर दुआएं करते हैं इनका प्लॉट दिख जाए, उनको एंटरटेन करते हैं, जाकर उनके सामने उनको खुश करने वाली बातें बोलते हैं, चिनी चुपड़ी बातों से धन कमाने की कोशिश करते हैं, पैसों कमाने के लिए अपने उस गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर धन कमाते और बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बड़ी बड़ी शानो शौकत की बातें बताते हैं। ये बातें करके हम परमेश्वर यीशु की नहीं, हम लूसीफर की सेवकाई कर रहे हैं, लूसीफर की सेवकाई है। आलिशा उठकर गया ने उसके पास, नामान को कहा जा यर्दन में 7 डुबकी मार, कोड चला जाएगा। नामान को गुस्सा आया, लेकिन उसके साथ जो कर्मचारी थे, उसके असिस्टेंट, उसने कहा कौन सी बात कही, 7 डुबकी मारने में प्रॉब्लम क्या है? वास्तविक वो कहता था कि मेरे देश में जो नदी है उसमें तो यर्दन से भी अच्छा, क्योंकि उस टाइम यर्दन में पूरा चिकड़ या दलदल होगी, पानी काला होगा। लेकिन जाकर जब नामान ने 7 डुबकियां मारी, बाइबल कहती है, डायरेक्ट उस पॉइंट पे हम आएंगे, बाइबल कहती है कि उसका शरीर छोटे बच्चे सा हो गया और वो शुद्ध हो गया, तब वो अपने दल बल के समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। नामान कह रहा है ये इसलिए कि दास की भेंट को ग्रहण कर, अभी भेंट क्या थी बताए, 10 किक्कार चांदी, मतलब 10 किक्कार चांदी मतलब कितने हो गए बताए, 340 किलो चांदी थी, 340 किलोग्राम। आगे दिया है 6,000 सोने के टुकड़े, मतलब 70 किलो सोना, किलो किलो, इधर 1 ग्राम सोने के लिए मर्डर होता है, और आज के लोग 1 ग्राम सोने के लिए लाल टपकाते किसी के सामने, 70 किलो सोना और 340 किलो चांदी। आलिशा क्या कहता है? आलिशा ने कहा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवित की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवेश किया और भेंट ग्रहण करे तब भी वो इनकार करता रहा। आज आलिशा के आत्मा वाले लोग चाहिए, हमें कुछ जरूरत नहीं है धन की, हमारे लिए हमारा परमेश्वर 2 वक्त की रोटी, हमारा कपड़ा लत्ता, घर रहने को देता है, बस हो गया। लोग अभी ऑफर करते सो योर सीट, अफ्रीकन टीचिंग आ रहा है अफ्रीका से, सो योर सीट देन लॉर्ड विल ब्लेस यू। अगर ये सीट ब्लेस डालने से लॉर्ड ब्लेस नहीं करता है, एक अच्छे कैरेक्टर से चलने के बाद लॉर्ड हमें ब्लेस करता है। सीड क्या है? हमें सीड की जरूरत नहीं, अभी बड़ा सीड के बाद पेड़ बनता है, हम अभी सीड नहीं, हम पेड़ है, पेड़ फल देना चाहिए, फल के अंदर सीड आएगा तब वो किसी दूसरे पेड़ को जन्म देगा। आज क्या हो रहा है आलिशा यहाँ पे, इसका मतलब लेना ये नहीं है, अगर प्रभु की महिमा के लिए आ रहा है, अगर वो व्यक्ति दे के जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन हम पर्पजली किसी के पास पैसा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम्हें फ्री दिया है तो फ्री दे दो,
ये बात सुनकर नामान थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन वो क्या कहता है, भले कोई प्रॉब्लम नहीं, तू नहीं ले रहा है, तू नहीं ले रहा है तो मुझे और तेरे से चाहिए। वो क्या कहता है, एक खच्चर भर, क्या कहता है देखो आगे, उसने कहा अच्छा तेरे दास को दो खच्चर मिट्टी मिले, खच्चर के ऊपर डाल के लेके जा सके उतनी इजराइल में से शमरून की मिट्टी मिले। अब वो मिट्टी किस लिए, क्या कहता है पता है, तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। इसका मतलब उसने क्या किया, नामान ने अपने आराम नाम के देश में यहोवा की वेदी बनाने के लिए वो मिट्टी लेके गया और उस वेदी पे वो अपने यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाया करता था। हालेलुया, शायद टाइम खत्म हुआ यहाँ पे मेरा, इस बात को थोड़ा हम आगे और कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसा गुरु दिखा रहा हूँ आपको, परसों जब हम आएंगे तो हम वो भ्रष्ट चेला भी देखेंगे, उसका परिणाम भी देखेंगे और एक भविष्यवक्ता को भी देखेंगे कि उसका अंत कैसा हुआ। ये धन का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तिमोथियुस के किताब में हमने जो देखा है 6 अध्याय में, इस धन के लालच की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बहुत से दुखों से छलनी कर दिया है, छलनी किया है। सेवकाई तो सेवकाई करो, बिजनेस तो बिजनेस करो, लेकिन सेवकाई को बिजनेस मत करो। जो भी आप नौकरी बिजनेस जो भी करते हो ईमानदारी से करो, क्योंकि ईमानदारी की रोटी मीठी लगती है। ईमानदारी की रोटी खाने में फक्र महसूस होता है, लेकिन बेईमानी की झूठ की नींव के ऊपर मिला हुआ धन आपको वो वायु के समान हवा के जैसा उड़ा देगा। अब जो ऐसे धन के पीछे भागेगा वो मृत्यु को पाएगा, ये बाइबल हमें कहती है। आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अब विशेष ये दूसरा भाग जो हमने धन की लालसा के ऊपर लिया है, मैं विनती करता हूँ आशीषों, धन होना बुरी बात नहीं लेकिन वो योग्य रीति से होना चाहिए। धन कमाना अच्छी बात है लेकिन वो योग्य रीति से कमाना चाहिए। हमें सही दिशा में परमेश्वर की सेवकाई करना चाहिए। कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर किसी को खुश करके उसको विवश करके उसका माल निकालना ये गलत बात है, ये बोलबच्चन कहा जाता है जो दुनिया के लोग करते। परमेश्वर करे आपको योग्य रीति से इस धन की लालसा के ऊपर जय होने के लिए, इस पाप में बातों पर जयवंत होने के लिए भजन संहिता 119:11 अपने हृदय में डाल के रोकर कहो कि प्रभु तेरा कलाम मेरे हृदय में ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। फिर कौन सा कलाम इसमें यूज करोगे आप ये कलाम ले लो जो आलिशा ने कहा कि मैं धन नहीं लूंगा, मैं धन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कमाई करूंगा तो योग्य रीति से करूंगा, मेहनत से करूंगा, थोड़ा थोड़ा जमा करूंगा, बहुत धन रह के डर में रहने से अच्छा थोड़ा रह के यहोवा के भय में हुआ है वो उत्तम है। ये वचन को ले लो और क्लेम करो, मेरे पास थोड़ा है उत्तम है, उसमें मुझे डर नहीं, मैं आराम से सोता हूँ, आराम से उठता हूँ, आराम से प्रभु की दुआ करता हूँ और उसके साथ समय बिताता हूँ। प्रभु करे, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे उसकी उपस्थिति में। ये एकदम मैं जो मैसेज लेकर आया हूँ ये केवल रियलिटी बेस का मैसेज है, इसमें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं मिलेंगी, एक सिंपल वे में लेकर जा रहा हूँ, एक साधारण न्यू में आपके जीवन में डाल रहा हूँ। आपको अगर धनवान होना है तो जो हमने देखा तिमोथियुस की किताब में 6:18 में शायद वो कि भलाई के कामों में धनवान बन जाओ, भले आपके पास दुनिया का धन दौलत कम होगा लेकिन भलाई के कामों में धनवान बन जाओ। अगर भलाई के कामों में धनवान बनोगे ना तो आपके सामने धीरूभाई अंबानी गरीब दिखेगा, आपके सामने आदित्य बिरला होगा वो आपको गरीब दिखेगा, दुनिया का मिलियनियर बिलियनियर आपके सामने गरीब दिखेगा। अगर आप प्रभु में धनवान में आप सत्य कामों में और सत्कर्म में भलाई के कामों में अगर आप धनवान बनोगे, प्रभु करे आपको इन सब कामों में धनवान बनाने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको महिमा में लेकर जाए। कोई भी गलत कामों में ना आप गिरे तो सच्चाई से ईमानदारी से पूरी लगन से जो भी काम आप कर रहे वो काम करते रहे और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता रहे। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड इवनिंग। गुड, गॉड ब्लेस यू।